हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि एकदम बेसिक जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, वो हम देखे थे कि क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन था, इसका मतलब था कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ओके। एंड जो रिडक्शन था, वो हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना था। मगर उस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अब इलेक्ट्रॉन के बेस पे एक थ्योरी दी गई है, जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। चलिए देखते हैं। तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, उसके अनुसार क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होती है, वो बेस्ड होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने पे। ओके, अभी कैसे होते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन जो है एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एटम जो है या फिर आयन है, वो लूज करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक ऐसा एटम या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसका मतलब उस एटम का या आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो उसकी वजह से सोडियम पर प्लस वन चार्ज आ जाएगा। ओके, ऐसे ही जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो जिंक पर 2 प्लस आयन आ गया। Cu प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को और रिलीज कर दिया, तो Cu 2 प्लस आयन हो गया। ऐसे ही Fe 2 प्लस आयन ने एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो Fe पर 3 प्लस आयन आ गया। इसका मतलब इन सारे जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, वो आयन हो चाहे एटम्स हो, ये सारे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसका मतलब इन सब का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो इससे एक कंक्लूजन पॉइंट ये मिलता है स्टूडेंट्स की इन सारी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं। ओके, एटम या फिर आयन जिसमें भी हो रहा है, तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पे इनका बढ़ गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपको पता होगा, आप पिछले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर बात करूँ कि सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो हो जाएगा। सोडियम पे प्लस वन आयन है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर वन है। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं रिडक्शन की थ्योरी को। तो जो रिडक्शन के केस में जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, वो एग्जैक्टली अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो एटम है या आयन है वो गेन करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। एंड इस वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि Na प्लस आयन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली सोडियम मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही Zn 2 प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमको Zn मिल जाएगा। Fe 3 प्लस आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमको Fe मिल जाएगा। एंड Cu 2 प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमको Cu प्लस आयन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल केस की बात करें, तो जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो दो सब्सटेंस होते हैं, उनमें से एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, एंड जो सेकेंड सब्सटेंस है वो रिड्यूस्ड होता है। ओके, चलिए इसको रिएक्शन से समझते हैं स्टूडेंट्स। अब जब हम CuO की रिएक्शन H2 से करवाएंगे, तो हमको क्या मिलता है, दैट इज CuNH2। अब आप देखिए, यहाँ कॉपर के पास क्या था स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन था। ओके, अब यहाँ से इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। एंड H2O के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन मिल गया है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। इसी को हम बोलते हैं रेड ऑक्स, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल में यही दिखाया गया कि Fe2O3 है, उसकी रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम से करवाते हैं, तो हमको मिलता है Al2O3 प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ आयरन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जो Fe2O3 है, ओके, इस Fe के पास ऑक्सीजन था, उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। एंड एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसको ऑक्सीजन मिल चुका है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, इन सारे थ्योरी को, कंसेप्ट को हम इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड ए है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको दे रहा है, एक दूसरा कंपाउंड है ए। ओके, तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कम हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि अभी हमने थ्योरी में देखे थे। ऐसे हम अगर एक कंपाउंड बी की बात करें, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस केस में कंपाउंड बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको और एक थ्योरी समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि ऐसा कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है, एक्चुअली वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, एंड ऐसा कंपाउंड जिसका रिडक्शन होता है, ओके,
उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इतना ही, थैंक यू।